पुलिस सिस्टम एक ऐसा सिक्का है जिसके दो साइड होते हैं, एक साइड लॉ और दूसरा ऑर्डर। कभी कभी ऑर्डर बनाए रखने के लिए लॉ को बलि चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर बना रहता है तो सिस्टम सही चलता है। लेकिन हमारे ट्रेनिंग के दिनों में हमें ये सब नहीं पता था। सिस्टम की असली पढ़ाई तो हमारे सिलेबस के बाहर थी, जिसका क ख ग हमें डीन विजय सिंह ने पढ़ाया। भविष्यवर्ती बंबई पुलिस, फिल्मों में नकली पुलिस वाले का रोल करने लायक नहीं हो। वैसे ये जो हमें कुत्तों की तरह दौड़ा रहे, ये डीन विजय सिंह नहीं है, ये मंगेश दीक्षित है, हमारे पीटी और वेपन इंस्ट्रक्टर। पांच गोली, एप्लीकेशन फायर। किसी रेड या अरेस्ट के पहले कभी वारंट की शक्ल देखने को मिल जाए तो गनीमत समझना। क्राइम और क्रिमिनल बिन बुलाए बराती की तरह होते हैं, नो टाइम टू गेट वारंट। लेकिन सर्च वारंट का ना होना कोर्ट में भारी भी पड़ सकता है। और ये है हमारे लॉ प्रोफेसर YP माथुर। एक टैक्सी नो पार्किंग जोन में एक मोटल के सामने खड़ी थी। एक औरत मोटल से निकली और टैक्सी की बैक सीट पर बैठ गई। सामने से सड़क पार करके एक आदमी भी टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गया। दो सब इंस्पेक्टर्स ने यह मूवमेंट नोटिस किया और इन्वेस्टिगेट करने के लिए गाड़ी का सर्च किया। सर्च करने पर गाड़ी में गांजा मिला। सो व्हाट डू यू थिंक द कोर्ट रूल्ड एंड व्हाई? शुक्ला, सर गांजा टैक्सी में। सर गांजा दोनों पुलिस वालों ने अपने पास से टैक्सी में प्लांट किया होगा सर, सर केस बनाने के लिए। स्टॉप टॉकिंग लाइक अ पुलिस ऑफिसर, वो अभी तुम बने नहीं हो, क्लास है ये, मस्करी नहीं। वर्दे बोलो, क्या कहना चाहते थे? सर पार्किंग वायलेशन को बेस बना के सर्च नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैबैंड टैक्सी में मिला था, किसी अक्यूज के पास नहीं। लेकिन मैंने ये कब कहा कि गांजा गाड़ी में मिला, टैक्सी में मिला, किसी एक्यूज के पास नहीं? सर आप ही ने बोला ना गांजा टैक्सी में। सर दिस केस इज वकील खान वर्सेस। तुम्हें ये केस पता है? जी सर, मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा था। ये लॉ स्कूल नहीं है। मेमोरी में केस भरना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑन द स्टॉप होना चाहिए। स्पॉट सर, ऑन द स्पॉट सर। बस लेक्चरर्स की गलतियां सुधारिएगा, अपनी मत सुधारना कभी। सो लिसन क्लास, जो अगली क्लास आज डीन लेने वाले थे वो आज नहीं होगी। और ये हूं मैं, कैडेट असलम खान, पीछे से तीसरी बेंच, ऑलमोस्ट बैक बेंचर इन क्लास ऑफ 83, डीन विजय सिंह का पहला बैच। हमारा पहला सेमिस्टर ऑलमोस्ट खत्म होने को था, लेकिन डीन विजय सिंह को आज तक किसी भी कैडेट ने कैंपस में नहीं देखा। ये ले। उन्होंने हमारी एक भी क्लास नहीं ली थी। शुक्ले, ले, माँ ने भेजे हैं, घर में फोन लगा है। मुठ मार रहा हूँ, गंदे हाथ चलेगी। आराम ज्यादा, चादरें रोटेट होती हैं यहाँ पर। जब से ये नया डीन आया सिंह, अकेडमी पे ध्यान नहीं है उसका। पता नहीं यार चादरें धुलती भी या नहीं। अभी कॉन्सेंट्रेट मत करने देना तुम कमीनों। मुठल साला। शुक्ला, एग्जाम के एक रात पहले मुठ मारना अपशकुन होता है। क्या? सिंह मुंबई पुलिस का माना हुआ ऑफिसर था, कई गैंग साफ किए उसने। मैंने तो सोचा था बहुत कुछ सीखने मिलेगा इससे, लेकिन एक क्लास नहीं ली इसने आज तक। जरूर पनिशमेंट पोस्टिंग पे आया होगा। छोड़ो यार, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क तो पड़ रहा था, डर लग रहा था। डीन सर ने भले ही कोई क्लास ना ली हो, लेकिन उनके इवैल्यूएशन का खौफ हम सबको था।
शुक्ला जी भाई, सारे के सारे पुलिस आए, पर मैंने कहा था एक बुलेट बॉटम लेफ्ट और एक बुलेट बॉटम राइट में लॉन्च करना है। बुल्साए होता है सर। मंद बुद्धि मानुष, गोली जान लेने के लिए नहीं चलानी है आपने फील्ड में, क्रिमिनल को रोकने के लिए चलानी है। वर्दे भाई, हमारी माता जी का क्रोशिया का डिजाइन याद आ गया तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी फायरिंग देख। क्रिमिनल अपाहिज हो जाएगा आजीवन। नेक्स्ट आइए जाधव साहब। भाई गोलियां गई कहां सारी है? सरकारी पैसे की ऐसी बर्बादी, क्या किया ये? वेरी गुड विष्णु वर्दे। ये आपके पहले सेमेस्टर का रिव्यू है। सब कैडर्स को टोटल 50 मार्क के बेसिस पे असेस किया जाता है और आपके केस में डीन के फॉलोइंग मार्क्स हैं। डीन फिर से गायब। कभी कभी तो लगता था पुलिस ट्रेनिंग सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ कैडेट्स में हवा बनाने के लिए बोल दिया था कि बॉम्बे के टॉप पुलिस ऑफिसर विजय सिंह यहाँ आए डीन बनकर। तो मैंने, तूने और असलम ने फर्स्ट सेमेस्टर टॉप किए। टॉप नीचे से आसादा भरा है, देखना सीख। और दो है नीचे से टॉप करने वाले, वो जाधव और कौन है वो? सुर्वे, सुर्वे। सुर्वे। दो हो दो सौ मुझे क्या, मुझे बस खुद के लिए अच्छे मार्क्स लाने थे। मेरा बाप पैसे वाला है, फेल हो भी गया है तो धंधा है ना, बैठ जाएंगे। फिर अभी भी नहीं हुए, पासिंग मार्क्स तो मिले हैं ना, देखते। यार मेरे मार्क्स ना सच में अच्छे होते, सच्ची। अगर वो दीक्षित कंटिन्यूस दिमाग की, साला पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला देता है। दीक्षित की मटकी फोड़े क्या, इन्वेस्टिगेट कराएगा क्या? पकड़े गए तो ना, इन्वेस्टिगेट कराएगा क्या? और पकड़े भी गए तो क्या, हाँ कौन सा झंडे गाड़ रहे हैं? मारो। करते शाबाश, तू आएगा? बाप क्या नौकरी देगा? देगा। शुक्ला की महान प्लानिंग की खबर डीन और दीक्षित को पहले से ही हो गई थी। बहुत अरमान था डीन हमारी क्लास ले, आखिर उसने ले ही ली पटक पटक के। डीन की एंट्री हमारे लाइफ में किसी विलन की एंट्री से कम नहीं थी। आईपीसी सेक्शन 107 से 117, जब दो या उससे ज्यादा लोग मिलके कोई क्राइम करने का प्लान बनाते हैं, तुम और तुम, तीनों की शक्लें देख के लगता है कोई वारदात एक साथ करके आए हो। हमने कुछ नहीं किया सर। हर क्रिमिनल यही बोलता है, इसीलिए पुलिस को साबित करना होता है कि सारे क्रिमिनल्स एक दूसरे से मिले हुए हैं, और क्रिमिनल्स एग्जैक्टली यही फैक्ट छुपाने की कोशिश करते हैं। क्लास में से कोई भी इन्हें इंटरोगेट करना चाहे तो कर सकता है। सर, असलम चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे है? सर कल रात बाथरूम जाने के लिए उठा था, बारिश, गीला फर्श, तो
ये सर शुक्ला भी गया था तुम्हारे साथ बाथरूम? जी नहीं, मैं अकेले कर लेता हूँ। तो इंजरी मार्क्स तो शुक्ला के चेहरे पर भी हैं। तुम्हारे वेयर अबाउट्स क्या थे करा शुक्ला? कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स बारिश का फायदा उठाकर हमारे कैंपस में घुस रहे थे, तो हमने भी कोई अलिबाई? मैं हूँ सर। मैंने जब शुक्ला को उनसे लड़ते देखा तो मैं भी लड़ाई में कूद गया उसे बचाने के लिए। इंट्रूडर्स ट्रेनिंग कैंप में किस मकसद से घुसेंगे? हथियार चुराने सर, हमारे ट्रेनिंग वेपन्स। ऐसा उन इंट्रूडर्स ने कहा आपसे? नहीं, पर यहाँ और कुछ है भी नहीं चुराने लायक सर। तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? गार्ड को आवाज़ देनी चाहिए थी। हमने दी ना, बहुत आवाज़ दी, लेकिन हमारी आवाज़ बारिश के शोर में दबके रह गई। और ये झगड़ा कहाँ पे हुआ था? पीटी ग्राउंड में। पीटी ग्राउंड में सर, इनके नाइट सूट्स की जांच की जानी चाहिए। अगर कल रात झगड़ा पीटी ग्राउंड में हुआ है तो उनके कपड़ों में बारिश के कीचड़ के दाग होने चाहिए। यस सर, अगर ये सच बोल रहे हैं तो दाग ज़रूर मिलेंगे। शुक्ला के कपड़ों पर तो आपको और भी कई तरह के दाग मिल जाएंगे सर। तो शुक्ला, असलम और वर्दे, करे तुम तीनों के नाइट सूट्स चेक। सर आप, सर वी आर सॉरी, हमने झूठ बोला, सॉरी। झूठ ही बोलना था तो कुछ देर अपने कपड़े कीचड़ में भिगो लेते, कम से कम इन्वेस्टिगेशन में पकड़े तो नहीं जाते। सिट। उनके सेकंड टर्म का फॉर्म है या मार्क के असाइन कर दे। जब छोटा था तो कहता था पुलिस में जाएगा। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में वो बात कहाँ है? गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स को पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है अभी। ये कल की बासी खबर है। हाँ, लेकिन आजकल के नए रिक्रूट्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, करप्शन को लेकर पहले से प्रिपेयर रहते हैं, ग्रेजुएशन के टाइम से। हमारी तरह रोमांटिक फूल्स नहीं है जो आइडियलिज्म लेके निकले थे एकेडमी से। मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। 50 करोड़ क्लब के बारे में सुना है? दो बार। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया ये पनिशमेंट पोस्टिंग, सुधा का जाना। 15 करोड़? तो पागल हो गए हैं। तूने तो कहा 15 करोड़। यार मैं 50 करोड़ बोला था पन्नास, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तेरे सुसाइड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। It was just a phase. It's over. Is it? तेरे लिए यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, just resign. मैंने बोला ना, it's over. तेरे जैसा फील्ड वर्क एंजॉय करने वाला ऑफिसर यहाँ पे तो फ्रस्ट्रेटेड ही होगा। एनीवे, तू नहीं जानता हो लकी वाह। लकी? मैं सार्कास्टिक हो रहा है? यहाँ पे यू गेट टू सी फ्यूचर पुलिसमैन एट देयर प्योरेस्ट। डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स और करप्शन उन्हें छू नहीं पाई। गीली मिट्टी है यार, जैसा चाहे ढाल लो। अभी तो तू कह रहा था कि आज के कैडेट्स स्मार्ट हो गए हैं, करप्ट हो गए हैं। कोई ना कोई पागल तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। कहाँ मिलेंगे ये पागल रोमांटिक्स मुझे? सर, निदेशक मैम ने आपके लिए कुछ फाइलें भिजवाई हैं। थैंक यू सर। बॉम्बे में पुलिस वाले सब खाकी वर्दी वाले मिडिलमैन बन गए हैं, ठले ढलाए गेम प्लेयर्स। सत रक्षण आए, कल निकरण आए,
to protect the good and destroy the evil. वादा करोगे क्या? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ही ना, छोटा सा वादा, कभी बाल काले मत रंगना, सफेद अच्छे लगने लगे हैं तुम पे। नर्स, एक मिनट। जाओ कॉल ले लो। कुछ अर्जेंट नहीं है। अच्छा, तो हॉस्पिटल का नंबर क्यों दे के आया किसी को? आप जाओ फोन ले लो, मैं कहाँ जाने वाली हूँ। हेलो, सोटिया बोल तो है साहब। सोटिया बोला। आपका अंदाजा बरोबर था साहब, मीटिंग हो रही है दरिया में, कालशेखर भी अभी निकला है साहब। रोहन अपने बाबा को बोल जाके अपनी ड्यूटी करें, मेरी नहीं सुन रहे। आप नहीं चाहते कि ऑपरेशन के होते यार है? मैं जो चाहती थी मैंने कह दिया। घर पे साहिब मैं हूं। केक बना रहा था, जाने लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। ले लो, एकेडमी में तो वैसे भी आप दिखाई देते नहीं। भूत बन के घूमूंगा एकेडमी में, तुझसे चिपट जाऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्ती हूँ लोक उजागर। मुझे क्यों बुलाया? उन 5 लोएस्ट रैंकिंग कैडेट्स की फाइल्स मंगवाई थी, सोचा रस्टिकेट करने से पहले एक बार रिव्यू कर लूं। बहुत फालतू टाइम है आपके पास सर। इन 5 को पुलिसमैन बनने की जरूरत नहीं, ऐसा लगता है। बनना चाहते तो मेहनत करते ना, क्लासरूम में, पीटी ग्राउंड में। मैंने कहा इन्हें पुलिसमैन बनने की जरूरत नहीं, बनना चाहते तो हैं, लेकिन सिस्टम के आगे, तेरे मेरे या फैकल्टी के आगे झुके बिना। अभी क्या बोलें सर, अकेडमी में मैं भी ऐसा ही था, बल्कि उस टाइम पर सारे कैडेट्स ऐसे ही होते थे। हाँ, उस टाइम पे सब कैडेट्स ऐसे ही होते थे। आपने आज इन्हें कंटिन्यू करने दिया ना, तो अब से कुछ सालों बाद ये 5 यहाँ सिंह या दीक्षित बनाकर भेज दिए जाएंगे पनिशमेंट पोस्टिंग पर। इससे अच्छा तो इन्हें रस्टिकेट कर दो सर। तू बहुत नेगेटिव सोचता है। क्या करूं, मेरे ब्लड ग्रुप में ही नेगेटिव है। मैं भी क्या करूं, मेरा बी पॉजिटिव है, इसीलिए एक और मौका देना चाहता हूं। 5 को, खुद को, एक एक्सपेरिमेंट की तरह इन 5 को पुलिस सिस्टम में एंटीबॉडीज की तरह उतारना चाहता हूं, बीमारी से लड़ने वाले वैक्सीन की तरह। किसी भी कैडेट को अलग से ट्रेन करना इलीगल है। थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज करके पूरी क्लास को एक साथ पढ़ाएंगे, असर शायद इन पर ही हो। तरस आता है सर आप पर। करो एक्सपेरिमेंट, फटेगा टेस्ट ट्यूब आपके ऊपर ही।
एक दो एक दो एक दो एक फील्ड में क्रिमिनल के पीछे दौड़ना ही तुम्हारा काम है, समझे? पैर मजबूत चाहिए मुझे, मजबूत और एनर्जी. कम ऑन कैडेट्स, कम ऑन. एवरीबॉडी ऑन योर फीट, फास्ट. गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ थ्री ईच. दीक्षित आप लोगों का क्रिमिनल है. हर ग्रुप को तीन स्टेप्स पूरे करने हैं 15 सेकंड्स में. पहला, दीक्षित को घुटनों पे या पेट के बल लेटाना. दूसरा, उसके हाथ पीछे खींचना. और तीसरा, कफ्स को लॉक करना. उस रात की पिटाई से बात खत्म नहीं हुई थी. हमें तो और भी पिटना था, जलील होना था. डीन का स्टाइल अलग था. डीन अपने आप में ही खुद एक सिलेबस था. और हम पांचों को अब मजा भी आने लगा था. आफ्टर ऑल बोरिंग किताबों के बाहर कुछ बात हो रही थी. डीन के बारे में काफी अफवाहें थी हमारे बैच में. कोई कहता था डीन का इन्फॉर्मर नेटवर्क कंप्यूटर से भी तेज है. कोई कहता था जब डीन को गुस्सा आता है तो शायद कहीं ना कहीं कोई ज्वालामुखी फट जाता होगा. बस डीन के जुपिटर ग्रह के वासी होने की अफवाह नहीं थी हमारे बैच में. Now I can't do anything. It's gone now. It's over. Yeah. Hello. Vijay bol raha hu. Sudha kaisi hai? Kal Sekar ek badi deal ke liye meeting karne ja raha hai. Kal Sekar ke saath kya karna hai? Sudha ko akele chhod kar jaoge aisi halat mein? जिंदा पकड़ना. बाखैर बाखैर
कालसिकर की बॉडी भी है क्या इनमें? नहीं, मगर वो था यही। हॉस्टल वापस जा रहे हो, कुछ दिन रुक जाते। आप तो दो मिनट भी नहीं रुके थे मां के लिए। अस्थिया बहाने कब जाना है बता देना। वारदात की लोकेशन पर मोस्टली वही दिखता है जो क्रिमिनल पुलिस को दिखाना चाहता है, और जो वो छुपा देता है वो सच होता है। इसी दिखाने छुपाने के बीच का जो गैप है उससे कोर्ट में केस बनते बिगड़ते हैं। आधा घंटा है, उसके बाद लाश मोर्चरी में लौटानी है। लेकिन डीन का सिखाया एक लेसन नहीं आया क्वेश्चन पेपर में। ये बाकी कैडेट्स हम लोगों से स्मार्ट निकले, वो डीन के लेक्चर से ज्यादा थ्योरी रटते थे। इस बार तो बेचारा शुक्ला भी बिना मुठ मारे आया था ताकि कोई अपशकुन ना हो। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। सर, जब एकेडमी ज्वाइन किया था तो आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा ऐसा सोचा था। यू आर एन इंस्पिरेशन टू अस। अच्छा, मुझ में ऐसी क्या बात है? अरे सर, आपने बॉम्बे पोस्टिंग के दौरान कई सारे गैंगस्टर को खत्म किया है सर। जी, काफी अखबार पढ़ते हो तुम लोग। आपसे सीखना किसी ऑनर से कम नहीं है सर। क्लास में सबसे कम नंबर लाकर ऑनर दे रहे हो मुझे।
अब तक सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर्स मैंने असेस किए हैं, इस बार भी तुम बाकी क्लास के नीचे स्कोर करने वाले हो। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। सुनो। जी जी सर। सफाई करना जानते हो? क्या सर? मैंने सुना है साल का आखिरी दिन जैसे जाता है, अगला पूरा साल वैसे ही निकलता है। सुरवे, स्वेटर ले रहे। उस रात मेरे घर में घुसने के लिए तुम तीनों रस्टिकेट हो सकते थे, जानते हो? जानते हैं सर, लेकिन हमें दोस्ती ज्यादा समझ आई। ये भी ज्यादा समझ आया कि किसी से दबना नहीं चाहिए, चाहे वो हमारे टीचर्स ही क्यों ना हो। हर बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, गवर्नमेंट बॉडीज, एजुकेशनल बॉडीज, जुडिशियल बॉडीज, ये सब मजबूत किले हैं। इनका इम्यून सिस्टम इतना सख्त होता है कि इन्हें बाहर की मार से हिलाया नहीं जा सकता, इन्हें अंदर से बीमारी की तरह सड़ाना पड़ता है। सर, अगर ये सब हो सकता तो आपने नहीं कर लिया होता? मैं तो गलती से अपने हाथ चला बैठा, लेकिन तुम लोग ये गलती मत करना। हमारे 6 पुलिस ऑफिसर शहीद हुए कुछ विदेशी स्मगलर्स को पकड़ने की कोशिश में, और ये मेरा आपसे वादा है कि जो कोई भी इसके पीछे है, कानून उसे छोड़ेगा नहीं। राज्य के पुलिस विभाग पर खास ध्यान दिया है। मैं उन शहीद ऑफिसर की पत्नियों को एक एक करके स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मंत्री महोदय उन्हें 1,00,000 का चेक भेंट करेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा वीर पत्नी सब इंस्पेक्टर सिद्धेश नरेश सावंत। कल शेखर को पता था हम वहां पहुंचने वाले। नासिक के मूल निवासी थे। अपना जलता सिगरेट छोड़कर भागा वो। किसी ने टिप दिया उसे? मेरी पूरी टीम में सिर्फ मुझे पता था कि हम कल से करके पीछे जा रहे हैं। तो फिर किसने? और मैंने सिर्फ आपको बताया था कि हम कल से करके पीछे जा रहे हैं। ये कलसेकर की गैंग के की मेंबर्स हैं। इन्हें मारना बॉम्बे को किसी बीमारी से बचाने के बराबर है, और इनको मारने के बावजूद पाटकर की आंखों से बचे रहना कोई बड़ी जंग जीतने के बराबर है। पाटकर ने हमेशा कलसेकर जैसे गैंगस्टर्स को प्रोटेक्ट किया है। उसका पूरा गैंग पाटकर के दम पर चलता है। स्टेट का हर पुलिस वाला पाटकर की पनिशमेंट पोस्टिंग की मार से डरता है, इसीलिए कोई भी ऑफिसर कल से करिए उसके गैंग मेंबर्स पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं रखता। जब सीबीआई ने कल से कर को पकड़ने के लिए रेड प्लान किया तो पाटकर ने ये इंटरनल इंफॉर्मेशन उसे लीक की थी। कल से कर फरार हो गया इंडिया से हमेशा हमेशा के लिए। एक एक करके उसके की गैंग मेंबर्स भी निकल गए। यू हैव द विल टू किल, लेकिन फील्ड में काम आता है स्किल टू सर्वाइव। तुम लोग दोस्ती निभा लेते हो लेकिन सच भी बोल लेते हो।
रूल्स तोड़ते हो लेकिन उसूल नहीं छोड़ते, फेल होते हो लेकिन अपनी शर्तों पर। अगर तुम्हारी यही कमियां तुम्हारी खूबियां बनी रहीं और तुम्हारी दोस्ती बनी रही तो मैं इंतजार करूंगा यह देखने के लिए कि फील्ड में तुम करते क्या हो। हमारे महाराष्ट्र राज्य में 60,000 की पुलिस फोर्स है और आज से आप सबकी गिनती इसी फोर्स में होगी। आजपासून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या रक्षांची जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर आहे। मैं आप सबको आपके ग्रेजुएशन पर बधाई देता हूं और आपके डीन साहब से अनुरोध करता हूं कि वो यहां आए और आपसे दो शब्द कहें। माननीय मंत्री महोदय ने जो ये मौका मुझे दिया है मेरे छोटे मोटे तजुर्बे को आपसे बांटने का, उसके लिए मैं इनका आभारी हूं। पाटकर साहब ने स्टेट के लिए बहुत कुछ किया है। पाटकर साहब के दम पर ही स्टेट का हर पुलिसमैन क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स से बिना डरे लड़ता है। नंबर एक प्लेटून, लाइन ए, देख, एक, दो। नंबर एक प्लेटून, सामने, देख। डीन का हम पर भरोसा एक बहुत बड़ा बर्डन था मेरे दिल पर, मेरे बाकी दोस्तों के दिल पर भी रहा होगा। सिस्टम की पढ़ाई तो पढ़ा दी थी डीन ने हमें, लेकिन एग्जाम अब जिंदगी लेने वाली थी, पटक पटक के। और जिंदगी किसी भी विजय सिंह से ज्यादा बेरहम हो सकती है। बम्बई, यह शहर किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। शहर की रीढ़ की हड्डी थी कॉटन मिले, जिनमें हड़ताल ज्यादा और काम कम होता था। लड़ाई इंदिरा गांधी और ट्रेड यूनियन लीडर दत्ता सामंत में थी और उनके बीच पीसने वाले थे 2.5 लाख मिल मजदूरों के परिवार। और सिर्फ यही नहीं, पंजाब में चल रहे टेररिज्म के लिए गन्स और एक्सप्लोसिव स्मगल करने का जरिया भी ये बम्बई का पोर्ट ही था। जब हमारी नई नई पोस्टिंग हुई थी तब बम्बई अंडरवर्ल्ड का सर्कस था और कालसेकर उसका रिंग मास्टर। लेकिन उस दौरान बेरोजगार मिल मजदूरों के घरों से भी क्रिमिनल्स निकल रहे थे। उन्हीं में से एक था नाइक गैंग। पूरा शहर बारूद के ढेर पर बैठा था, बस कोई माचिस जलाने वाला चाहिए था। डीन सिंह शायद नासिक में हमारे फील्ड अचीवमेंट्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम नए नए पोस्टिंग वाले तो क्रिकेट के 12वें खिलाड़ी थे। कोई कंट्रोल रूम में, कोई एयरपोर्ट पर और कोई किसी मिनिस्टर की सिक्योरिटी स्टाफ में सड़ रहा था। रमन सिंह, विष्णु वर्दे, आप दिल्ली से? जी। ऑलमोस्ट बैक बेंचर्स इन पुलिस सिस्टम। टूरिज्म मिनिस्टर साहब आए हैं बम्बई किसी काम से, अपने बेटे को भी लाए, साहब ज्यादा पार्टी कर रहे हैं। काय मग वर्दे, तुम्हारे मित्र मंडल से सुनने में आया तुम्हारा सिक्योरिटी टीम से बदली होके इधर भारी पोस्टिंग हो रहा है। पता नहीं, लेकिन हो गया तो मिस जरूर करूंगा आप लोगों को। क्या आम्हाला मिस करणार आहे? चालायचं।
शुक्ला सर, तुम्हारे कलीग्स बताते हैं एम बड़ा पक्का है तुम्हारा। थैंक यू सर। ये रेगुलर ड्यूटी से हटा के तुम्हें कुछ सॉलिड केसेस देने की बात चल रही है सर। फाइल में क्या है? पेपर वर्क सर, रूटीन पेपर वर्क। देखो शुक्ला, एक बात का ध्यान रखना सर, खूब तरक्की करना पर वर्दी पे कभी दाग मत लगने देना। डिपार्टमेंट पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, बराबर सर? छान चला सर। पहले मिल मालिक गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करते थे वर्कर्स के खिलाफ, स्ट्राइक तोड़ने के लिए, यूनियन लीडर्स को मरवाने के लिए, लेकिन अब मिल ओनर्स और गैंगस्टर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है क्योंकि मिल्स की जो ज़मीनें हैं उनके रियल एस्टेट वैल्यूज बढ़ गए हैं। तुझे वो लेक्चर याद है? ऑर्गेनाइज क्राइम पर अकेडमी में पढ़ा था। टीचर मैं नहीं हूँ। गैंगस्टर्स अपना सेटअप इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि कोई भी एविडेंस गैंग के ऊपर के बॉसेस तक ना पहुंच सके। बस नीचे के पंटर्स और शार्प शूटर्स पुलिस के हाथ लगते रहे। सो गैंगस्टर्स का ये मॉडल पुलिस वाले क्यों नहीं फॉलो कर सकते? हाउ? बॉम्बे पुलिस को एक ऐसे ही स्क्वाड की जरूरत है। सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, रैंकिंग ऑफिसर्स इस स्क्वाड में होंगे और उन्हें बिना ज्यूरिसडिक्शन के, रिस्ट्रिक्शन के गैंगस्टर्स का एनकाउंटर करने की फ्रीडम होगी और उनके सीनियर्स को मिलेगी पनिशमेंट पोस्टिंग या सस्पेंशन जैसे आपको मिली थी। एविडेंस ट्रेल पुलिस डिपार्टमेंट के टॉप ब्रास तक पहुंचेगा तब ना। इंस्टीट्यूशनलाइज किलिंग ऑफ गैंगस्टर्स बाय पुलिसमैन। एक काम कर, एक नॉवल लिख डाल या फिर अपनी बायोग्राफी। क्या कर रहा है? हाँ बोल। अरे नहीं, प्रॉमिस कर इस आइडिया के बारे में सोचेगा एटलीस्ट। कभी नहीं। देख अगर मैं उड़ गया ना तो तू गिर जाएगा। मुझे बचपना मत कर यार, पहले मेरा हिप टूट चुका है, नीचे उतार यार प्लीज नीचे। ये झूला है, इंसाफ का तराजू नहीं है। राघव, कल से कर की मोनोपोली ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। नायक भाई और उनकी तरह के कई अनएम्प्लॉयड मेल वर्कर्स के बच्चे क्राइम में उठने वाले हैं। कालशेखर पुलिस डिपार्टमेंट के सिलेबस में नहीं है यार, पाटकर ने उसे कब का हटा दिया। इधर क्या हुआ सर भी? अरे कोई नहीं, मिल लॉकआउट रहे, ये मजदूर पथरा वितरा हो गया हमारे ऊपर। ए भाई चट्टी जाना यार, बेवकूफ है मजदूर, मरेंगे साले, पथराव करें। मरेंगे मतलब? वर्दी तुझे पता है ना मेरा बाप मिल वर्कर है। मिल ओनर ने लाखों करोड़ों का चूना लगाया है मिल वर्कर्स को। मिल ओनर ने नहीं, यूनियन लीडर ने चूना लगाया लोग। अरे लोग ने भी लाल झंडा उठा लिया। लाल सलाम, लाल सलाम। खाने के लाले पड़ गए ना। और एक बात बता, कैपिटलिस्ट इकॉनमी आ रही है, सोशलिस्ट नारे चलेंगे क्या? लोगों को खराब करू वर्दी। ऊंचा आवाज में किससे बात कर रहा है? जास्ती हेगड़ी आ रही है क्या? वर्दे बस हो गया, जाता वर्दे दर वैसे ऐसे क्या दर वैसे पब्लिक प्लेस है, बस हो गया। मैंने बोला क्या उसको? मैं क्या बोला उसको? क्या रे तुम लोग पागल हो क्या? मुश्किल से मिलते हो, ये क्या है? आग दिखा आकड़ दिखा, बस हो गया। मेरे बाप को मरेंगे बोला? बाप को नहीं बोला, सिस्टम को बोला। मैं सुन पहले। अरे ठीक है, जो भी बोला, जिसने भी बोला, बात खत्म। खत्म।
हाँ घबरा लोग भगता है घबरा कुछ बोला ही नहीं तो सॉरी बोल उसको मैं कट दिक्कत है ए, बोलना वर्दी बोल सॉरी यादव सॉरी छोड़ रहे तेरा सॉरी वॉरी अरे अभी बोला ना सॉरी सही बोला तू यूनियन लीडर्स के बारे में सिस्टम के बारे में क्या है बाप के लिए बुरा लगता है मेरे को सादा मानुस है रे ये सिस्टम मिल वर्कर्स का खून चूस चूस के एक दिन फेंक देगा साइड में जैसे सिंह सर को फेंका था साइड में कौन ला रहा केकड़ा हैं लेके इसको आगे से मंगाओ केकड़ा दिख रहा यार तुम दिखने में इतना बड़ा और मास क्या ये हाँ क्या ये जी कितना हुआ ले रुक दिल में दूंगा मैंने पहले ही बुलाया आते रहिए ये क्या है चल 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 बाय 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 वर्दे हाँ जीवन भारी होता बराबर प्रश्न उसने बहुत बढ़िया था यार बहुत बढ़िया इस्माइल पठान सुरवे ये वही है ना जो कालसे करके हवाला का पैसा संभालता है अबे ये तो दुबई भाग गया था ना वही तो इसके मरने से कालसे कर को दुबई पहुंचने वाला पैसा बंद कुछ करना है तो यही करना है इसके पहले कि ये फिर दुबई भाग जाए ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है हमारा नहीं है तो जिसका है उसको बुलाते हैं हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं
एक मिनट, एक लास्ट रिहर्सल। पठान के बारे में कुछ नहीं बोलना है। बिल्कुल नहीं, कोई भी पुलिस वाला उसे मिला हो सकता है। मिला हो सकता है। बस इतना कहना है कि मेरे जुरिस्डिक्शन का एक मर्डर सस्पेक्ट, तेरे जुरिस्डिक्शन का एक मर्डर सस्पेक्ट हमने सीरम में स्पॉट किया है। हेल्प चाहिए, बैकअप चाहिए, आ जाइए बस। पठान के बारे में शक भी नो, बस मौला के नाम पे दे दे। प्रमोद शुक्ला, कोहिनूर में लॉकआउट। सस्पेक्ट कहाँ है? अंदर है, दरगाह में। मेरा कलीग की नजर रखी उसके ऊपर। ठीक है, तो चले? नहीं, आप रिलैक्स कीजिए, हम लोग उठा लेंगे इशारा मिलते ही। ओके। अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे। अबे, अरे मेरा दूसरा चप्पल गायब है बे। ए, भाई का चप्पल किसने उड़ाया? हाँ? मौला के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह। सब इंस्पेक्टर सुरवे। रस्त होगी। मेरे हाथ साफ नहीं है। शुक्ले, अंदर जा, पाया स्टॉल की दूसरी तरफ। तुझे एक जोड़ी चप्पल लेके आ। भाई कुछ लाऊं क्या? पाया, हलीम, कबाब। पठान, सब इंस्पेक्टर हूं। तुझे क्या लगा रात दो रात के लिए सुम में बंबई आएगा, निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा? कौन से पुलिस स्टेशन से बेटा? तुझसे मतलब? लगता है पैसा नहीं पहुंचा आपके पास। पैसा नहीं चाहिए? पैसा, पैसा नहीं चाहिए तो बोलो क्या चाहिए आपको, मिल जाएगा। चुपचाप साथ चल। तो आप मुझे थाने ले जाने आए हैं? हाँ, थाने ले जाके अरेस्ट बुक करूंगा तेरा। अब चलेगा या घसीटता हुआ ले जाऊं? हरामजादा, बात करने की तमीज नहीं है? हाँ, उम्र का लिहाज भी नहीं करता? मेरा भी गाड़ी निकल, आज इस पिल्ले को बता दो पठान की कोठरी का अरेस्ट क्या होता है। पठान, You shot him point blank. Procedure क्यों नहीं follow किया तुमने? किया सर, वो पठान तो इंस्पेक्टर वर्दे को अगवा करके लेके जा रहा था सर, जबरदस्ती। वर्दे गया क्यों उसके पीछे? सर, हमने मेरे एरिया के एक मर्डर सस्पेक्ट को वहां स्पॉट किया था, केस फाइल नंबर 307। माइम हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए इंस्पेक्टर रस्तोगी को बुलाया। जी सर। सर पण मला माहित नव्हतं की पठान तिथे आहे। आम्हाला पण माहित नव्हतं रस्तोगी साहेब। सर हम तो दरगाह की तरफ मर्डर सस्पेक्ट के पीछे जा रहे थे, वो भीड़ में खो गया और पठान दिख गया। अब पठान दिख गया सर तो क्या करते, छोड़ देते? स्पेशली जब रस्तोगी जा गए थे सर। आई विटनेसेस ने स्टेटमेंट दी है, पठान के पास कोई वेपन था ही नहीं। इनफैक्ट उसके आदमियों ने कोई वेपन निकाला ही नहीं था। सर उस एरिया में सारे पठान के वफादार हैं, कोई सच नहीं बताएगा। और मैंने पहले दो फायर टांग पे किए सर, वार्निंग के लिए। सर, पठान के पास वेपन था, उसने यहां मेरी कमर पे रखा था, छिल गया सर, देखिए इसकी। सला निकाल। सर देख, सर देखिए तो सही, छिल गया है सर। मालूम है मुझे तुम्हारा स्किन छिल गया है। नाउ आउट ऑल ऑफ यू। सर, सर आपको पठान की किलिंग के बारे में क्या बोलना है सर? पुलिस को खबर थी पठान इंडिया? मैडम मैं कुछ बोल नहीं सकते सर। सर आप बताइए ना, पठान इंडिया कब आया सर? सर प्लीज।
क्या कर रहा है? तेरा स्किन तो वाकई चला हुआ है। ए वर्दे, पठान ने सच में गन लगाया था क्या? एक बार गलती की थी, ट्रैक सूट कीचड़ में नहीं भिगोया था, भिगो दिया। जय बप्पा विजय सिंह। चलो दीन की जलाई माचिसों ने आखिर पहली चिंगारी सुलगा दी थी। पठान तो लॉटरी था, गलती से हमारा नंबर लग गया था, लेकिन कालसेकर के गैंग के की मेंबर्स तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। जहां बारूद ना चले वहां दीमक की तरह काम करना चाहिए, ऐसे कभी सिंह सर नहीं कहा था, और इसीलिए हमने कालसेकर के छोटे मोटे आदमियों को उड़ाना शुरू कर दिया। में हो अपने पहले बैच से, क्लास ऑफ 83। हर साल नया बैच आता है, सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है? नहीं, क्यों? नहीं, कालसेकर के कई आदमी पिछले कुछ सालों में मारे गए हैं, और मारने वाले तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं। कालसेकर नाम का कोई सब्जेक्ट हमारी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता, मैं सिर्फ सिलेबस पर फोकस रखता हूं। लेकिन कालसेकर का नुकसान करने का मतलब था सीएम पाटकर का नुकसान करना। प्रेस तो पाटकर की जेब में थी, अखबारों ने ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का शोर मचाया, और प्रेशर डालने के लिए सीएम पाटकर ने डीजीपी राघव को मंत्रालय बुलाया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कुछ सीरियस मैटर्स हैं, पूरी पुलिस फोर्स शर्मिंदा हो सकती है। आए दिन होने वाले पुलिस एनकाउंटर्स, इनका जवाब देना पड़ता है मुझे संसद में, और दूसरी तरफ वो गैंगस्टर नायक, ये जो नायक भाई है, ये कालसेकर की टेरिटरी में घुस रहा है, और इससे शहर में गैंग वॉर हो सकता है। सर, एक वेग आइडिया आया था, एक स्पेशल स्क्वाड तैयार करते हैं, हैंडपिक्ड पीएसआई और पीआई रिक्रूट करेंगे, जिन्हें ज्यूरिसडिक्शन के बाहर एनकाउंटर करने की परमिशन दी जाएगी। पंजाब मॉडल, किलिंग्स का कोई भी एविडेंस डीसीपी, डीजीपी, आईजी या मिनिस्टर तक नहीं पहुंचेगा, कोई भी ऑर्डर साइन नहीं करेगा। तुमने वाकई अपनी पोस्ट अर्न किया राघव। थैंक यू सर, लेकिन एक मसला है सर, स्क्वाड सिर्फ नायक गैंग के मेंबर्स को नहीं मार सकती है सर, यू ऑल्सो हैव टू टारगेट द कालसेकर गैंग, तभी ये लेजिटिमेट लगेगा सर। ठीक है, जाइन सर। डीन सर का फेंका हुआ पत्ता बड़ी आसानी से डीजीपी राघव ने अपना पत्ता बनाकर पाटकर के सामने रख दिया। जो प्रेस पहले किलिंग्स पर शोर मचा रही थी, उसने हमें हीरो बना दिया। लेकिन कालसेकर की गैंग कोई ऐसे वैसी गैंग नहीं थी, हम उसका एक आदमी मारते थे और कालसेकर उसकी जगह उस एरिया में उससे खतरनाक क्रिमिनल बिठा देता था। खेल था, कालसेकर खिलाड़ी, हम अनाड़ी। एक दिन हमें हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि छोटा नायक डॉकयार्ड रोड पे कहीं छुपा है। ये इन्फॉर्मेशन शायद कालसेकर के गैंग के थ्रू ही डिपार्टमेंट को मिली थी, क्योंकि नाइक कल का कालसेकर बन सकता था। मैंने मर्डर नहीं किया छोटा नाइक, जाने दे उसको। कालसेकर का आदमी नहीं आई है, तुम लोगों को पता है ना, नायक कालसेकर दुश्मन एक दूसरे के। शुक्ला और वर्दे का नाइक को इस तरह जाने देना मैंने और जादव ने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं सब समझ रहा था।
डीन सर के लिए कालसेकर का गैंग साफ करते करते शुक्ला और वर्दे खुद किसी क्राइम की गटर में फंसने लगे थे। आइए सर, मैम यहाँ पे आइए। एक्चुअली सर ये हमारे अखबार का 150वां साल है, 150th ईयर, और हम कुछ स्पेशल गेस्ट को पूरे प्रिंटिंग प्रेस का टूर दे रहे हैं सर। अच्छा, मैं स्पेशल हूँ? अरे सर, आप स्पेशल है हमारे लिए। हमारे सिटी पेज पे आपका फोटो छपेगा एंड द फोटोग्राफर इज वेटिंग फॉर यू सर। इधर है? हाँ, वहाँ पे। एक्चुअली सर, वी हैव कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग हेडलाइन फॉर यू। हेडलाइन है डर्टी हैरी इज ऑफ बॉम्बे। ये हैरी कौन है? डर्टी बोलेंगे ये आपको? एक्चुअली मैम, डर्टी हैरी अमेरिका का फेमस पुलिसमैन है। होगा, ये नहीं है। साबुन, कलफ, टीन पॉल सब भर भर के जाते हैं इनके कपड़ों यूनिफॉर्म में। कुछ उल्टा सीधा मत छापना, समझा? यस सर। सर यहाँ पे आइए, ये है आपके पीस का सैंपल लेआउट। ये देखिए सर, फोटो आएगा मेरा नाम। गन है ना? जस्ट फॉर द पोज, फॉर द पोज। ये क्या? 65। आपने 65 एनकाउंटर्स करे ना सर पिछले 3 साल में? Am I right? 72 कहा था मैंने। सर आपने राउंड अबाउट 72 कहा था ना, इसीलिए जब मैं वर्दे सर का इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने क्रॉस चेक किया, आई क्रॉस चेक्ड, और तभी उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने 55 करे हैं और आपने 62। वो डोंबिवली शूट आउट जो था ना, वो वर्दे सर का था। आई मीन ही ओनली टोल्ड मी दैट। कोई नहीं सर, मैंने ये राउंड फिगर कर दिए 65। देखिए वर्दे ने कहा है सर। हाँ, वर्दे ने कहा ऐसे, अभी बोला इन्होंने, माइको ने सांगितलं की पटक। सर चलिए सर। सर हाँ चले, फोटोग्राफर इज वेटिंग। सुनो तुम एक काम करो, ये आर्टिकल मेरे बिना छाप दो। आपके फोटो भी ना? ना फोटो, ना नाम, एक शब्द मेंशन मत करो मेरे बारे में। बाकी है ना, लिखो उनके लिए। ऐसे कैसे हो सकता है सर? एवरीथिंग इज रेडी, नेगेटिव प्रूफ सब रेडी हो चुका है। मेरे को प्रूफ सिखाएगा तू? हाँ नहीं सर, पुलिस वाले को प्रूफ सिखाएगा तू? नहीं। हाँ नहीं। वाह, चला एनकाउंटर्स के नंबर्स के शौक ने शुक्ला और वर्दे में दरार डाल दी थी। इसी दरार का फायदा उठाकर कालसेकर के किसी आदमी ने शुक्ला को अप्रोच किया और नाइक गैंग ने वर्दे को अपने साइड तोड़ लिया। भाभी सकीना, मांगने की बधाई। जी शुक्रिया। पैसा बोलता है तो अच्छे अच्छों के मुंह बंद हो जाते हैं। जाधव और सूर्य भी बहती गंगा में कूद गए, लेकिन डिपार्टमेंट में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस बहती गंगा पर बांध बांधे। अरे छोटे शुक्ला जी, ये हीरो लग रहे हैं आप पठानी में। छोटे शुक्ला जी ने पठानी पहनी है। अरे बाप रे, पापा ने दिलाई पठानी। हाँ बेटा, ये लो ईदी। पढ़ दे मत, दे उसको, बिगड़ जाएगा वो। बिगड़ जाएगा मतलब? काल सगर का पैसा थोड़ी दे रहा हूं जो बिगड़ जाएगा। क्या मतलब? सब दोस्त हैं, सब अपने ही तो है इधर, किसी से कुछ छुपाया क्या? छुपा नहीं है,
और तू जो चुपके चुपके लेता है क्रेडिट्स मेरे एनकाउंटर का मेरे पीठ के पीछे। तेरे एनकाउंटर की वजह से ना जेल में बैठा होता तू। एनकाउंटर का क्रेडिट बाहर बैठा ना मेरी वजह से। लीगल प्लानिंग एंगल सब मैंने सोचा। वरदे शुक्ला चुप बैठो और खाना खाओ। घर है मेरा, तमाशा नहीं चाहिए। लेडीज लोग हैं अंदर। सोचना चाहिए ना थोड़ा सा काम करने के पहले। मैं बरोबर है। अभी देखो कालसेकर ने पैसा दिया और भाई ने जाके नायक के आदमी को उड़ा दिया। आगे पीछे कुछ सोचने का नहीं, बस खाली ठक 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 ठक। शुक्ला चुप रहे। उसको बोलना असलम। क्या बोलेगा मेरे को वो? क्या बोलेगा क्या? वो जानता है मैं सच बोल रहा है। वरदे बस कर, बस कर। अबे झूठा तू गीदड़। गीदड़ नायक का पैसा खाया ना तूने? नायक उठू ना था। मेरा क्रेडिट लेगा ये, मेरा क्रेडिट लेगा ये। हरामी साला, फुट बोलता है बेईमान साला। प्रमोद क्या हुआ? चार भाभी आप भाभी भाभी मैं बताता हूँ कुछ कुछ क्या हुआ ना। भाभी मुठ मारने का एडिक्ट है, भौंक भौंक के गर्मी निकालेगा, काटेगा नहीं। वरदे हराम को कोई हक तो नहीं बनता सलाह देने का। बस रिक्वेस्ट कर सकता हूं, हो सके तो इसका नाम सुधा रखना। जी पापा, साहेब इज बैक। लेट हो गए लोकल गार्डियन साहब। मैं तुझसे मिलने आया हूं। क्या हुआ? 3 बेकसूर बिजनेसमैन पुलिस फायरिंग में मारे गए। शुक्ला, वर्दे और स्क्वाड के कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। कहते हैं कि गाड़ी के मॉडल को लेकर कंफ्यूज हो गए थे। सस्पेंड किया? बात सस्पेंशन की नहीं है, बात सजा देने की है। And as usual, इन लोगों ने अपने ट्रैक्स बड़े सफाई से कवर कर लिए। इसीलिए डिपार्टमेंट इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू नेल देम इन एन इंक्वायरी। तूने उन्हें ट्रेन किया था। नो वन नोज देम बेटर देन यू। सीएम वांट्स यू बैक ऑन द जॉब। तुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी। एक बार ऐसे ही हॉस्पिटल से निकला था ड्यूटी करने के लिए, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई उस दिन। आई नो, शायद फिर से बदल जाए और इस बार अच्छे के लिए। योर ग्रैंड डॉटर हैज ब्रॉट यू लक। ये स्क्वाड तेरा आ गया था तुम्हारे से। सुना है जब गंगा आसमान से फूटी थी सारी दुनिया डुबाने, तो भगवान शिव को बुलाया गया था उस पर बांध बांधने के लिए। वैसे ही डीन सर की एंट्री हमारे लाइफ में किसी हीरो की एंट्री से कम नहीं थी। आकाशवाणी है, अब खबर मुंबई से। पुलिस फायरिंग में मारे गए 3 व्यापारियों का मामला अभी भी संसद में गरमाया हुआ है। ह्यूमन राइट्स कमीशन और विपक्ष फायरिंग के लिए जिम्मेदार इंस्पेक्टर प्रमोद शुक्ला, विष्णु वर्दे, जनार्दन सुर्वे और लक्ष्मण जादव की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। प्रमुख मंत्री श्री मनोहर पाटकर और पुलिस प्रशासन ने
इंक्वायरी कमेटी में फेरबदल करने का आश्वासन दिया है। तुम लोगों की शक्ल देख के लगता है कोई वारदात एक साथ करके आया हूं। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे सर। मुझे टिप मिली थी कि एक ब्लू कॉन्टेसा बहुत सा धक्का नाके पे आएगी और उसके पैसेंजर के पास AK-47 होगी। गाड़ी का नंबर भी मिला था इन्फॉर्मर से? मिला सर, आधा अधूरा। मेरे इन्फॉर्मर ने भी ये टिप इंडिपेंडेंटली दी थी सर। तुम लोगों ने आपस में नंबर टैली नहीं किया? मुझे नहीं पता था शुक्ला भी उन्हीं लोगों के पीछे सर। आपस में रेस लगा रहे थे। उस गाड़ी में खतरनाक क्रिमिनल्स होने की खबर थी सर। पंजाब की इंसर्जेंसी के बाद ब्लैक मार्केट की बहुत सारी AK-56 और AK-47 यहाँ बम्बई पहुँचाई जा रही है। ये जवाब दोगे उन तीन बिजनेसमैन की फैमिलीज को? उनकी किस्मत खराब थी सर। कमेटी ने यह भी लिखा है कि तुम लोग गैंगस्टर से पैसे खा रहे थे। कुछ निकनेम भी है तुम लोगों के डिपार्टमेंट में, द 100 करोड़ क्लब। डिपार्टमेंट वाले जलते हैं सर हमसे, झूठ बोलते हैं। कौन से गैंगस्टर ने पहले पैसे ऑफर किए थे? सब करते हैं सर, टाइम टू टाइम। कल से करने किया था सर। कल से करने सबसे पहले ऑफर किया था शुक्ला को। कौन? फॉर द रिकॉर्ड सर, मैं क्लियर कर देता हूं, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया सर। और किसी गुंडे को मारने के लिए कोई पुलिस वाला पैसा लेता भी है सर तो बुरा ही क्या है? हाँ सर, सही बात है सर। और वैसे भी गैंगस्टर्स हमें पैसा ऑफर करते हैं ताकि हम दूसरे गैंग के पंटर को उड़ा सकें। और वही पैसा हम पुलिस वालों के काम आ सकता है ना सर, अगर डिपार्टमेंट हमारी पनिशमेंट पोस्टिंग कर दे तो। हम सबको पता है आपके साथ क्या हुआ था, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि आपको गेम खेलना नहीं आता था। किसी पुलिस वाले पे हाथ उठाना गैर कानूनी है। हाथ उठाना सर? हमने नहीं उठाया सर। हम में से किसी ने नहीं उठाया सर? नो सर, मैंने भी नहीं उठाया आज तक, मगर आज हाथ कुचला रहे हैं। तुमने कमेंट किया ही है मेरे गेम खेलने के बारे में, तो बता देता हूं। कोई क्या करे अगर वो अपने आसपास काम करने वालों से बेहतर हो, सिस्टम से बेहतर हो, कला करते हो अपने टैलेंट का, बन जाए मीडियोकर किसी 50 करोड़ 100 करोड़ क्लब के मेंबर्स की तरह? ये सवाल खुद से मैंने बहुत पूछे, खुद को अपनी काबिलियत के लिए कोसा। कोई इलाज कर सकता है मेरी काबिलियत का किसी बीमारी की तरह तो मैं करवा लेता। इसीलिए अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने जो कुछ मुझसे सीखा, कम से कम मेरा गेम खेलने का तरीका नहीं सीखा। आपके तरीके से खेलते ना सर, अब तक मर चुके होते, और हमारे खून के दाग भी आपके हाथों पे लगते हैं। जो हाथ पहले ही कई लोगों के खून से रंगे हैं। सर सर, कल सेकर की गैंग के अगेंस्ट जो ऑपरेशन चल रहा था उसे रिज्यूम करना होगा। इस वक्त मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूं असलम, ये ऑपरेशन तुम्हें लीड करना होगा। इसमें रिस्क बहुत है, इसीलिए जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं उसे बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। असलम, कैन यू फॉर्म अ टीम ऑफ क्लीन पुलिसमैन? सॉरी सर, लेकिन क्लीन पुलिस वालों का इन्फॉर्मर नेटवर्क यूजुअली अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरे डाकियों का इन्फॉर्मर नेटवर्क बहुत रिलायबल है। मेरे ऊपर लगाए गए सारे करप्शन चार्जेस बेबुनियाद हैं। मेरा घर चेक किया गया, ससुराल पे रेड किया गया, लेकिन कहीं कोई अनअकाउंटेड कैश नहीं मिला। इंटरनेशनल कॉल्स, एसटीडी कॉल्स बहुत महंगी होती हैं, इसीलिए किसी भी गैंग के नीचे के लेवल के वर्कर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन मनी ऑर्डर सब भेजते हैं।
और इमरजेंसी में तार भी भेजते हैं। हर ट्रंक कॉल तार चिट्ठी की इंफॉर्मेशन इन डाकियों को रहती है और यही डाकिये शहर की हर गली नुक्कड़ सड़क को भी अच्छे से जानते हैं। ये दिन भर जगह जगह घूमते हैं और किसी को इन पे शक भी नहीं होता। मैंने जिन जिन को मारा सबके सब हिस्ट्री शीटर्स थे, उन सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। कुछ केसेस में आपने इमिग्रेंट्स और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों का एनकाउंटर किया और फिर उनके चेहरे बिगाड़कर कुछ एग्जिस्टिंग केस फाइल्स को सेट ऑफ कर दिया, ऐसा एलिगेशन है? एलिगेशन एविडेंस है? शादी हुई तुम्हारी? मंगेतर है सर, शादी की तैयारी चल रही है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। डीन सर के इस सीक्रेट पोस्टमैन इन्फॉर्मर नेटवर्क का मैंने खूब इस्तेमाल किया। कालसेकर गैंग के की मेंबर्स के खिलाफ एविडेंसेस भी मिले और आई विटनेसेस भी, अरेस्ट भी हुई और केसेस भी बने। कब तक तैयार हो जाएगी? शादियों का सीजन है अम्मा, आए भी तो इतने लेट आप। अपने काम से शादी कर चुका है लड़का, फुर्सत ही नहीं। अब भी सोच ले लड़की। अब्बा ने तो दो औरतें ब्याही हैं, वो दोनों आपस में निभा लेती हैं, मैं इनके काम से निभा लूंगी। अच्छी लग रही है शेरवानी। शुक्रिया। आप हमेशा इतना चुप क्यों रहते हैं? ज्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक। लोग दिन दहाड़े चैन मारोगे हैं? बाप का शहर है, ला इधर ला। नारायण शेट्टी। चिंचर के लाया हो, चल बैठे चर्च के पीछे। क्या रे चूहे, अपने बाप कालसेकर के साथ किस गटर में छुपा था? साले। जब गटर से बाहर निकलते तो प्लेग फैलता है साहब, बहुत लोग मरते हैं, बहुत लोग। Ah!
आसान मौत चाहते हैं सर? एक बार कालसेकर और शेट्टी तक पहुंचा दीजिए सर, बस उसके बाद जा कहेंगे, जैसे कहेंगे जान ले लेंगे आपकी सर, या दे देंगे आपके लिए। और आपकी इंक्वायरी विंक्वायरी में भी जो बयान चाहिए वो भी दे देंगे, लेकिन प्लीज इतना तो हम सबको करना ही होगा असलम के लिए। फिर से भरोसा करो, मैं नहीं सर, खुद को दीजिए मौका। फटे टेस्ट ट्यूब और कितना पड़ेंगे सर? एक तमन्ना थी, डीन सर जैसा ऑफिसर बनूं, इंसान बनूं। वो तमन्ना तो मेरे साथ मिट्टी में चली गई, लेकिन उसी मिट्टी से अगर एक बार फिर डीन सर और इन बेवकूफों में भरोसे का बीज पनपे तो मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। कौन सोच सकता था कि बॉम्बे से कॉटन मिल गायब हो जाएंगे? बॉम्बे चा राजा कॉटन, ये प्लॉट है ना जुमानिया बिल्डर्स डेवलप कर रहा है, लेकिन असली मालिक मेरा दामाद है, रियल एस्टेट में सेट कर रहा हूं उसको। और कुछ? उमर कालसेकर, अरे बहुत नुकसान कर दिया उसके बिजनेस का, मार दिए उसके लोग, अब तो उसके गैंग में वो सिर्फ शेट्टी बचा है, अब तो बस कर दे। कालसेकर को भी रियल एस्टेट में सेट कर रहे हो क्या? अरे वो कालसेकर खुद बहुत सेट है, उसने भी एक मिल का जमीन लिया है, ये मिल नहीं पर कोई तो भी है किसी बिल्डर को फ्रंट करा के। अरे तुम कालसेकर को थोड़ा टाइम दो, वो व्हाइट कलर हो जाएगा फिर। कुत्ते का कॉलर पहनने की औकात नहीं उसकी। कालसेकर को बोलो इंडिया आए, सरेंडर कर दे, बच जाएगा। बच्चों जैसी बात? अरे कौन सा गैंगस्टर जेल से गैंग ऑपरेट नहीं कर सकता है। 8 साल पहले मैंने कालसेकर की साइड ली थी तुझे पनिशमेंट पोस्टिंग पर भेजकर, इस बार मैं तेरी साइड लेने आया हूं तो तू मेरी बात नहीं मान रहा है। तो फिर से कर दो मेरा ट्रांसफर किसी पनिशमेंट पोस्टिंग पर। तुम दोनों एक ही मिट्टी के बने हो, तू और कालसेकर। मैंने तेरी पनिशमेंट पोस्टिंग करा ली, बंबई से बाहर भेज दिया, बट लेट मी टेल यू, एक बात समझ में आई मेरी, मेरी अथॉरिटी है तेरे ऊपर, रैंक बड़ी है, लेकिन पावर एक पैसे की नहीं चलती, ना तेरे ऊपर और ना उस कालसेकर के ऊपर। मेरी जगह कोई भी मिनिस्टर होता ना इस पोजीशन पर तो यही करता। यू मी वी आर ऑल डिस्पोजेबल। यही है ना कालसेकर की बहन नजमा, जिसे कालसेकर ने अपनी बच्ची गोद दी हुई है।
चॉकलेट हाँ कालसेकर को कहना हमसे आके मिले अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो। बस इतना ही और कुछ नहीं लिखा? नहीं भाईजान कुछ भी नहीं लिखा है, बस ये जला हुआ इंपोर्टेड सिगरेट का टुकड़ा है, बहुत पुराना लगता है। 8 बरस पुराना है, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। मर्दे डीन साहब के लिए छोड़ दे कुछ। मेरे लिए ये काफी। आपकी मर्जी सर। कल से अगर कोई चिट्ठी का मतलब समझ आया होगा तो आएगा ना। चलिए रुको। हेलो जय हिंद सर, सिंह हियर। जय हिंद, व्हाट इज इट? मैं सर बस यही कहना चाहता था कि आपके नेक कामों के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। सिंह, आपके अंडर सर्विस करके आर यू ऑल राइट? बहुत कुछ सीखा है आपने, जो भी इस देश के लिए और हमारे स्टेट के लिए किया है उससे प्रेरणा लेकर। बोल क्या रहे हो तुम? मैं भी अच्छे काम करना चाहूंगा ताकि डिपार्टमेंट का नाम रोशन हो। तुम चलो, खराब हो गया तुम्हारा इलाज करवाओ। क्या है चाहते थे ना आप? अपनों पे बात आती है तो आना पड़ता है ना कालसेकर? ये आप कह रहे हैं जो अपनों को छोड़कर मेरे पीछे पड़े थे इतने साल? लड़ाई हमारे आपस की थी, औरतों और बच्चों को क्यों घसीटा बीच में? मेरी बच्ची कहाँ है? घोट दिया करा मैंने उसका, फेंक दिया दरिया में। Oh!
इंक्वायरी में लिहाज की उम्मीद मत रखना। नायक तैयार रहे। चल चल चल। अगर ये सब तुम्हारा किया था ना, then God help you, सिंह। मेरा सर? उस वक्त मैं जीपीओ में था सर। आप ही से बात कर रहा था फोन पर। पुलिस सिस्टम एक ऐसा सिक्का है जिसके दो साइड होते हैं, एक साइड लॉ और दूसरा ऑर्डर। कभी कभी ऑर्डर बनाए रखने के लिए लॉ को बलि चढ़ाना पड़ता है। ऑर्डर बना रहता है तो सिस्टम सही चलता है।